हेलो बच्चों, आप कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग थंबनेल देख के आए ना कि हाँ, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। क्या कहा मैंने? कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। तो ये आज मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। बट उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, सिंबल्स आने चाहिए, तभी आपको, चाहे वो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की हो चाहे ऑर्गेनिक की हो, तभी आपको ये रिएक्शन बनाना आएगा। चलिए सीखते हैं हम लोग कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एक एसिड चाहिए हमको, वो भी हमें नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा हमारा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, निकला। अब प्लस में क्या निकलेगा हमारा? N2 निकलता है। क्या निकलेगा हमारा? N2। प्लस में क्या निकलेगा हमारा? H2O। क्या निकलेगा हमारा? H2O। तो ये हमारे निकलते हैं, तीन प्रोडक्ट निकलते हैं। जो मेन प्रोडक्ट था हमारा कॉपर ऑक्साइड था, नाइट्रोजन सब प्रोडक्ट एंड वाटर हमारा क्या था? सब प्रोडक्ट था। यहाँ 5, यहाँ 2 एंड फिर चेक करते हैं आपका कितना आएगा हमारा। यहाँ पे 5 करिए, 6, 5 एंड 6, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 हो गया एंड आपका 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 5, 5 एंड ऑक्सीजन 3 एंड 6 एंड 2 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन 2। तो ये क्या हुआ, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब जब भी रिएक्शन करें तो क्या करना है, इसके नीचे नाम भी लिखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। कॉपर नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो ये क्या थी हमारी, एक रिएक्शन बैलेंस थी, कंप्लीट थी। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे बगल में रख के बेल रखी होगी, बेल को जरूर प्रेस करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा आपका बीच रिलेशनशिप नहीं होगा। तो बेल आप जरूर पुश करें, आई थिंक बेल को आप पुश कर चुके होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।